रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। शिनचैन अब तुम गाओ। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग शाबाश। भाई तो अगर सिर्फ 5 मिनट ऐसे गा देना तो भाई मेरे कानों से खून निकलने लगेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। अबे भाई तेरी तारीफ नहीं कर रहा यार, तेरी बुराई कर रहा भाई। अबे भाई कल वह आज तो होली है भाई, आज कहीं घुमाने ले चलेगा या नहीं? ले चलूंगा यार, काहे नहीं ले चलूंगा, बस अभी चलते हैं थोड़ी देर में, उससे पहले थोड़ा सा नहा लिया जाए। झम यार शिनचैन, कभी तू भी नहा लिया कर भाई, इतना गंदा हो गया। आज तो फिलहाल होली, आज तो कम से कम नहा ले। अरे फ्रैंकलिन भैया जब आप सो रहे थे तभी मैं नहा लिया। अबे नहीं भाई कल वे शिनचैन झूठ बोल रहा है। हाँ मुझे वो पता ही है भाई, झूठ बोले कौआ काटे। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं सुबह ही नहा लेता हूँ आजकल। अच्छा ठीक है भाई, मान गए, रो मत अब, हम मान गए कि सुबह तुम नहा लेते हो। अरे यार कौन आ गया दरवाजे पे, चलो देखते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया कोई होली मिलने आया होगा। हाँ यार जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई होली मिलने आया होगा, क्योंकि आज तो होली का दिन है। अरे शिनचैन तुम्हारी मौसी का लड़का आया है। अरे मौसी का लड़का आया है, चलो जल्दी जाके मिलता है उससे, होली कुछ ही खाने चलते हैं उसके घर पे। यार फ्रैंकलिन भैया जाना मत कहीं, मैं आ गया। ये देखो, हेलो मौसी के लड़के, कैसे हो और बताओ क्या हाल चाल है। आज होली के दिन पे मेरे पास तुम दोनों के लिए चैलेंज है, जो भी ये चैलेंज जीतेगा उसे मिलेगा 2 लाख रुपए और ढेर सारी पिचकारी। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो पिचकारी भी दे रहा है और तो और ढेर सारे पैसे भी दे रहा है। हाँ यार शिनचैन मैं भी सोच रहा हूँ ये चैलेंज कर ही लिया जाए, क्योंकि पिचकारी भी मिल जाएगी तुम्हारे लिए और चॉप के लिए, और भाई साहब ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, हमारा जुगाड़ हो जाएगा होली का। हाँ तो करना ये है कि आपको अपनी गाड़ी रैंप के ऊपर से कुदानी है, उसके बाद अगर आपकी गाड़ी सेफली वापस आ जाती है तो आप वो चैलेंज जीत जाएंगे। वहाँ पे और भी कॉम्पिटिटर रहेंगे जो आपको टक्कर देंगे। लेकिन कुदानी कहाँ है भाई? श्रेडर मशीन के अंदर, जहाँ पे गाड़ियों का चूरमा बन जाता है। अगर आपकी गाड़ी वापस आई तो आपको 2 लाख रुपए और ढेर सारी पिचकारी। ठीक है मौसी के लड़के, मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है, अभी मैं थोड़ी देर पे पहुँचता हूँ तुम्हारे रैंप चैलेंज के पास, चलो तुम। ठीक है मैं जाता हूँ, आप टाइम से आ जाना। शिनचैन तुम भी आ जाना टाइम से। देखा भाई शिनचैन, बैठे बैठे पैसों का जुगाड़ हो गया और तो और पिचकारी का भी जुगाड़ हो गया। अभी हम ये बनियान उतार देते हैं, उसके बाद चलते हैं उस रैंप चैलेंज पे। और भाई चौप तू भी चलेगा क्या? हाँ भाई कल वे मैं भी चलूंगा। ठीक है भाई ठीक है, तू भी चलना। अरे फ्रैंकलिन भैया आपने बनियान क्यों उतार दी? अरे यार बनियान इसलिए उतार दी क्योंकि यार उसमें बहुत ज्यादा कलर लग जाता, फिर यार छूटता नहीं है कलर। अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी चड्डी भी उतार दो, उसमें भी तो कलर लग जाएगा। अच्छा यार भाई शिनचैन तू मार खा जाएगा, गंदी गंदी बातें करता है। चलो आ जाओ चलते हैं अब रैंप चैलेंज पे। आओ शिनचैन चौप चलते हैं, देखते हैं कैसा रैंप चैलेंज है उसका आखिर। यार छोटा मोटा रैंप चैलेंज होगा मुझे पता है हर बार की तरह, चलो इस बार भी कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ बैठ जाओ शिनचैन और चौप। ये देखो हमारी गाड़ी भाई, कलरफुल गाड़ी है एकदम एकदम, जैसे हम इसमें बैठते हैं तुरंत ही इसमें कलर जलने लगता है। तो गाइस यार अभी चौप भी बैठ गए, अब चलो चलते हैं सीधा वहीं रैंप के पास और देखते हैं भाई कौन सा चैलेंज ये लेके आए थे इनके मौसी के लड़के। वैसे यार उसके पास काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, अभी आगे वो और भी चैलेंजेस हमें देने वाला है। लेकिन आज जो भाई होली वाला चैलेंज है, जिसके बदले भाई हमें 2 लाख रुपए और ढेर सारी पिचकारियाँ मिलेंगी, वो हमें देखना है भाई कौन सा चैलेंज है। तो चलो यार चलते हैं सीधा वहीं पे। तो गाइस यार हम सैंडी शॉर्ट्स पहुँचने वाले हैं और यहीं पे बुलाया था उसने। और भाई साहब ये देखो ट्रेन भी आ गई, अभी ट्रेन को ही आना था। ओ भाई एकदम आगे ही चले गए थे, अभी तो हमारा एक्सीडेंट ही हो जाता। चले जाने दो ट्रेन को, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कि कौन कौन है आखिर जो आया है हमारे रैंप चैलेंज के लिए। और भाई तेरी मौसी का लड़का भी आया होगा मुझे लगता है। अरे भाई साहब यहाँ पे तो पूरी फौज जुटी है रैम चैलेंजिंग के लिए। उतर के देखते हैं भाई साहब एक बार, ये कहाँ से कौन गोली मार दिया, मुझे लग रहा है भाई कोई गोली मार दिया पीछे मेरी पीठ के, देखो रेड रेड हो गया है। और भाई साहब यहाँ पे ये देखो बैटमैन भी आया है, भाई साहब बैटमैन अपनी कार के साथ आया है, और भाई क्या बॉडी वॉडी बना लिया बैटमैन ने। और इधर देखो ग्रूट भी आया है अपनी कार के साथ, भाई ये तो रेसिंग कार है भाई, F1 वाली कार है। और ये है कौन, ये है हल्क, और ये आया है मॉन्स्टर कार के साथ भाई साहब, और ये है मौसी का लड़का उसके। और यहाँ पे है यहाँ के इंचार्ज, तो भैया से पूछते हैं, हेलो भैया। अरे भैया सुनिए तो ज़रा, क्या देख रहे हैं बताइए, इसके रूल्स क्या है और करना क्या है? ये बस यही रैंप कंप्लीट करना है बस। अरे बेटे
तुम इस रैंप को हल्के में मत लो। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें ड्रोन से दिखाता हूँ इस रैंप में करना क्या है। तुम्हें तो बस यही लग रहा होगा ना कि यहाँ से गाड़ी चढ़ाना है और ऊपर से नीचे आ जाना है बस, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं ड्रोन से तुम दोनों को दिखाता हूँ कि आखिर इस रैंप में करना क्या है। अरे फ्रेंकली भैया, कुछ नहीं करना होगा, ये रैंप बहुत आसान है। अभी पता लग जाएगा, रुक जाओ, ड्रोन ऑन करने दो। ये कर लिया ड्रोन ऑन। अब सबसे पहले मैं प्राइजेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये अच्छी अच्छी पिचकारियाँ रखी हैं, ये देखो। और यहाँ पे है 2 लाख रुपए, ये पूरे पैसे मिला के 2 लाख रुपए हैं। यहाँ पे छोटी पिचकारी, बड़ी पिचकारी सब रखी है। अब चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि रैंप में करना क्या है। सब लोग अपनी गाड़ी लेंगे, मतलब हर इंसान जितने भी हैं एक एक बार अपनी गाड़ी लेंगे। जैसे ये शिनचैन और फ्रैंकलिन की गाड़ी है तो ये अपनी गाड़ी लेंगे, उसके बाद गाड़ी लेके इस रैंप से यहाँ से ऊपर से ऊपर से ऊपर जाएंगे, सीधा ऊपर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। यहाँ ऊपर पहुँच जाने के बाद यहाँ पे गाड़ी आगे करेंगे और हल्का हल्का आगे करते करते यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुदाएंगे उस गाड़ी को। उसके बाद जब इसके अंदर कूद जाएगी गाड़ी, तब समझ में आएगा ये रैंप आसान है या फिर इजी है। अभी यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा देता हूँ, कितनी लाशें बिछी हैं यहाँ पे। देखो, कुछ लोगों ने रैंप ट्राई करने की कोशिश की थी, उनकी धज्जियाँ उड़ गई। यहाँ पे देखो, ये उनकी लाशें पड़ी हैं, उनकी गाड़ियों की लाशें पड़ी हैं। जो इसमें घुसा है वो आज तक निकल के नहीं आ पाया है। अब देखना ये है तुम लोग निकल के आ पाते हो या फिर नहीं। यहाँ पे देखो, इतनी सारी शटर मशीन लगी हैं भाई, जो भी इसमें गिरता है वो हर तरफ से पिसता ही चला जाता है। अब देखना ये है तुम लोग के साथ कौन सा अंजाम होता है। मुझे तो उम्मीद है कि तुम में से कोई भी वापस नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, एक गाड़ी और फंसी है, पता नहीं किसकी गाड़ी फंसी है। जो भी यहाँ पे आया है वो मर के ही वापस गया है। ये मौत का कुआं कहलाने लायक है, लेकिन अब तुम लोग की मर्जी है। ये रैंप वाला चैलेंज छोड़ के जाना हो तो जा सकते हो, वरना भाई करो रैंप का चैलेंज। अरे इतनी दूर आए तो क्या रैंप का चैलेंज छोड़ने आए हैं? चाहे उसमें श्रेडर मशीन लगी हो, चाहे आरी लगी हो, चाहे ब्लेड लगा हो, हम ये रैंप चैलेंज करेंगे तो करेंगे। क्यों शिनचैन? हाँ फ्रैंकलिन भैया। चंगू मंगू, चुप हो जाओ तुम लोग, वरना अभी यहीं पे अपने बैटमैन से कटवा दूंगा और तुम लोग रैंप चैलेंज कभी नहीं कर पाओगे, समझे? मैं यहाँ पावरफुल ज्यादा हूँ तो मैं ही जीतूंगा ये रैंप, और मैं ही जीतूंगा ये पूरी पिचकारी, और मैं ही जीतूंगा ये सारे कैश प्राइस। तुम लोग कभी नहीं जीत पाओगे क्योंकि मैं यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अरे फ्रैंकी भैया, ये तो हमें हड़का ले रहे हैं। नहीं यार शिनचैन, वो हड़का नहीं रहे, उनके अंदर थोड़ा ज्यादा गर्मी है, इसीलिए अभी वो बस खाली तो सोच रहे हैं कि खाली मैं ही यहाँ पे ताकतवर हूँ। लेकिन भाई इन्हें नहीं पता कि भाई हम लोग कितने ताकतवर हैं। हाँ यार फ्रैंकी भैया, हम लोग ज्यादा ताकतवर हैं। अरे तुम लोग क्या ताकतवर हो, अभी देखो मैं दिखाता हूँ मेरी पावर कितनी है। चलो मेरी गाड़ी, अब मैं दिखा देता हूँ इन लोग को कि कितनी पावर है मेरे अंदर। ये लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं, अभी यहीं पे इन लोग को पावर मेरी पता चल जाएगी जब मैं ये गाड़ी ऊपर चढ़ाऊंगा। ये देखो, एक ही बार में ऊपर चढ़ जा रही भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब सोचो, जब यहाँ पे इतनी अच्छी से चढ़ जा रही है तो अंदर क्या करेगी, है ना? सोच लो भाई, मेरी गाड़ी सबसे पावरफुल है, कोई नहीं है इससे ज़्यादा पावरफुल। और यहाँ बारिश भी होने लगी यार, और यहाँ हमारी गाड़ी गिर रही थी, गिर 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 गिर। अरे भाई, ओ ओ, बचाओ बचाओ बचाओ, ओ बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, हाँ ये गाड़ी मुझे, हाँ हाँ बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूँ, बचाओ 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 बचाओ, दोस्तों मुझे बचाओ, हाँ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊँगा, बचाओ मुझे, बचाओ, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, बचा लो, कोई कोई तो बचा लो मुझे। अरे फ्रैंकलिन भैया, बैटमैन का हाल तो बेहाल हो गया। हाँ भाई शिनचैन, ऐसा ही होता है जिसके अंदर ज्यादा एटीट्यूड रहता है, जो मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। आई एम ग्रूट, अब मेरी बारी है, मैं चलता हूँ, ये प्राइस मैं जीतूंगा, चलो चलता हूँ ऊपर और इसे जीत के रहूंगा। मुझे कोई नहीं हरा पाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है। मैं पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देता हूँ, और यहाँ मैं पहुँच गया, अब बस इसके अंदर जाना है और अपना काम हो गया, बस हो गया अपना काम। अरे ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मैं बच भी पाऊँगा यहाँ कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता है बच पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी, देखता हूँ क्या होता है आगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक चैलेंज है, मेरी गाड़ी यहीं पे ख़त्म हो गई। अब मैं जाऊंगा, इस चैलेंज को कंप्लीट करके आऊंगा
और मुझसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए मैं इस चैनल को कंप्लीट कर पाऊँगा। चलो अब चलता हूँ, ऊपर चढ़ जाता हूँ जल्दी से और इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये चैलेंज मैं ही कंप्लीट करूँगा, मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, मैं ये चैलेंज कंप्लीट करके रहूँगा। मज़ा आ गई वाह भाई वाह, मज़ा आ गई, अब चलता हूँ इसके अंदर, मज़ा आ जाएगी, वाह भाई वाह। अरे ये तो कचूमर निकाल दे रही मेरा, अरे ये तो मेरा कचूमर निकाल दे रही है, अरे 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 ये, अरे बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, अरे भगवान बचा लो मुझे। हाँ बच गया, बच गया। हाँ नहीं बचा, नहीं बचा दोस्तों, बचा लो मुझे। तुम लोग को चैलेंज करना आता ही नहीं है, रुको मैं बताता हूँ कैसे चैलेंज किया जाता है। और चलता हूँ आगे। और भाई साहब ये चैलेंज तो मैं ही जीतूँगा क्योंकि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। शिनचैन और फ्रैंकलिन को भी मैंने ही सब कुछ बताया था, इसलिए ये चैलेंज तो मैं ही जीतूँगा, मुझसे आगे खोई नहीं जाएगा। भाई मैं बच्चा हूँ इसीलिए मैं पिचकारी लेके जाऊँगा, ये बड़े बड़े लोग थे ये लोग क्या करते पिचकारी का, इसीलिए ये लोग जीत नहीं पाए। अब मैं बच्चा हूँ तो इसीलिए मैं पिचकारी लेके जाऊँगा और मैं इस चैलेंज को जीतूँगा। ये देखो यहीं से सब कुछ खेल स्टार्ट हो गया है मेरा, और देखो यहीं से मेरा सारा खेल स्टार्ट हो गया है। अब मैं चलता हूँ अंदर और भाई देखो एक ही बार मैं अंदर आ गया। और भाई और बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे खोई दे बचाओ, मेरी कार खराब हो गई लग रहा है मुझे। लेकिन अरे भाई अभी तो नहीं, अभी तो मैं और ज़्यादा पिटने वाला हूँ। यहाँ पर देखो मैं, मुझे कुछ देख ही नहीं रहा है, मेरी कार में आग लग गई है। और भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, मेरी कार भी बाहर जाके गिरी, ये देखो आग लग गई मेरी कार में। अब शिनचैन और फ्रैंकलिन ही बचे हैं। तो शिनचैन देखा तुमने, सब लोग अब यहाँ पे हार चुके हैं, कोई भी नहीं बचा, सब लोग की मौत हो चुकी है। अब भाई इस पूरी पिचकारी का, इस पूरे कैश का सिर्फ हम ही को हिस्सा जाता है, और भाई वो हिस्सा तब जाएगा जब हम इस रैंप को कंप्लीट कर लेंगे और वापस जिंदा वापस आ जाएंगे, तब जाके हमें वो हिस्सा मिलेगा, मतलब वो कैश मिलेगा, वो प्राइस मिलेगा। हाँ तुमने सही कहा। हाँ अंकल मुझे पता है तभी मिलेगा, तो चलो जाते हैं हम। शिनचैन तुम लोग यहीं रहना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये, अब तुम इसको लेके तो जा नहीं पाओगे, बस घर चले जाना अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं अगर वापस ना आया तो। चलो गाइस चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया अपना ख्याल रखना। अरे हाँ भाई मैं अपना ख्याल रखूँगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना, जाते जाते बस यही कहना चाहता हूँ, अगर कुछ हो जाए तो भाई जॉब का ख्याल रख लेना शिनचैन, और मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पे। हाँ भाई मुझे भी भरोसा है आप वापस ज़रूर आओगे। हाँ मैं वापस आऊँगा भाई, ऐसे थोड़ी ना मैं वो हूँ कि मतलब स्मार्ट, ऐसे थोड़ी ना बिना स्मार्ट किए वो हूँ। और भाई मैं आ गया हूँ रैंप के अंदर, और अभी भाई देखते हैं क्या होता है। गाइस यार दोबारा से हम आ गए हैं इस रैंप के अंदर, और भाई देख रहे हो यहाँ पे आते ही धुआं, और भाई साहब क्या क्या ही मार रही भाई साहब, ये एकदम से खचाड़ा बना दे रही भाई। ये कहाँ, ये हमें बाहर ले आई क्या? गाइस हम लोग बाहर आ गए हैं, ये देखो हम लोग बाहर आ तो चुके हैं, लेकिन भाई पता नहीं, अरे शिट यार पता नहीं हम लोग आगे जा पाएंगे या फिर नहीं। यहाँ से रास्ते तो हैं भाई काफ़ी, अगर हम लोग यहाँ से निकल जाएं एक बार तो अपना काम हो जाएगा भाई, हम ये चैलेंज जीत जाएंगे। अपनी कार तो फूट चुकी है लेकिन अभी भी ये चल रही है, अच्छी बात तो ये है इसमें। अरे यार कहीं से भी जगह नहीं बची है, कहाँ से जाएं, कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आग भी लग गई है अपनी गाड़ी में, और बूस्टर ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाइस यार बूस्टर ऑन करने से भी कुछ नहीं हो रहा है, और गाइस यार यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, अपनी गाड़ी चल चुकी है और भाई हम लोग भी चल चुके हैं, लेकिन सबकी तरह हम लोग मरे नहीं हैं गाइस। अभी यहाँ पे मैं उतर गया हूँ, और यहाँ पे देखो, ये देखो गाइस। तो गाइस यार जैसे तैसे करके मैं बाहर तो आ गया हूँ, लेकिन अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास एक सेकेंड यहाँ पे एक कार है, देखते हैं ये सही है कि नहीं, अगर ये सही रही तो भाई अपना काम हो जाएगा। और भाई ये कार सही है, अब बस हमें बाहर चलना है, हम अपनी कार को नहीं ले आ पाए
लेकिन हम बाहर आ चुके हैं गाइस। ये देखो गाइस, हम अपनी कार को खो दिए लेकिन हम लोग कहाँ बाहर आ चुके हैं यार। ये देखो शिनचैन कहाँ गए शिनचैन। ये देखो भाई, हम लोग वापस आ गए हैं भाई। अब देखो ये सारी पिचकारी, सारा कैश हमारा हो जाएगा। तो देखा भैया, ये सारा कैश, ये सारी पिचकारी, सब कुछ हमारा। देखा शिनचैन, मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया ना। हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, आप तो जीनियस हो। हाँ यार, वो तो मैं हूँ ही। अब चलो यार, होली खेल लेते हैं थोड़ी सी। तो गाइस यार, अब थोड़ी सी होली खेल लेते हैं। अंकल जी को भी थोड़ी सी होली खिला देते हैं। ये लीजिए अंकल जी, होली खेलिए। और भाई साहब, इधर भी हम लोग होली खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। भाई मज़ा ही आ गई आज का चैलेंज करके। क्या बात है यार, ऐसे चैलेंजेस और मिले तो और करेंगे। ये सारा कैश, ये सारी पिचकारी अब शिनचैन की हो जाएंगी और चॉप की हो जाएंगी। हाँ भाई कल वह, अब तो हम लोग खूब होली खेलेंगे। हाँ यार शिनचैन, ये देखो भाई, पहले यहीं पे होली खेल लो, मज़ा ही आ गई। तो गाइज यार, हैप्पी होली तुम सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।